Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. तो गाइस अभी हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं, ये देखिए। फाइनली गाइज देखो बनकर रेडी है और अब जो है ये इस पे जो तड़का लगने वाला है घी का, तो पूछते हैं सबसे पहले कि इन लोगों को कैसा लगा, बताइए कैसा लगा। Highway and in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. So hello guys, good morning and welcome back to my new vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी आ गया हूँ अपने जिम। देख सकते हैं पीछे मेरे जिम का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो फिलहाल अभी जिम के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still. तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अभी जाके फाइनली मेरा पूजा पाठ स्नान धान वगैरह सारा चीज खत्म हो गया है। आज मुझे काफी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा काम था, शैम्पू वैम्पू करना था एंड थोड़ा साफ सफाई भी करनी थी, जिसकी वजह से आज मुझे काफी लेट हो गया पूजा करने में। बट फाइनली 2:30 मैंने खाना खा लिया है, एक ही बार खाना ही खा लिया और अब मैंने इनका भी खाना ला दिया है। तो सबसे पहले भी चलिए आपको दिखाते हैं कि आज हमारे घर में लंच में क्या क्या बना हुआ है। तो गाइज ये देखिए आज खाने में है दाल है, चावल है, आलू का चोखा है, छोला है, करेले का भुजिया है और ये पापड़ है। तो सिंपल एंड टेस्टी खाना बना है हमारे घर में और इनको दे देते हैं खाने के लिए, उसके बाद कर मिलते हैं आपसे। बस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा मार्केट की तरफ। ये देखिए पूरा मार्केट जो है वो क्रिसमस के सामानों से सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मार्केट। तो अभी हम लोग एक्चुअली गाइज ये जो हमारा ब्लॉगिंग वाला फ़ोन था वो घर में छूट गया था, इसीलिए हम लोग अच्छे से आपको दिखा नहीं पाए मार्केट का सीन। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं एक मेडिसिन शॉप पे आए हैं और भाभी के सिर में थोड़ा दर्द है तो वो बोली थी कि सेरेडॉन लेके आने के लिए, तो अभी आए हैं हम लोग वही लेने के लिए, तो सेरेडॉन ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइस मेडिसिन लेने के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे झालमुड़ी के ठेले पे और सोचे कि मार्केट आए तो कुछ खाना तो बनता है, तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले खाना खाए हैं तो ज़्यादा कुछ हैवी खा नहीं सकते थे, इसीलिए बनवा रहे हैं झालमुड़ी और अपने लिए और भाभी के लिए, तो लेंगे फिर घर चलेंगे। कुछ सामान चाहिए था पापा के लिए, पापा का इनर लेना था और उनका सॉक्स लेना था, तो बस वही चीज़ लेने के लिए हम लोग मार्केट आए थे। वो देखिए हम लोग ले चुके हैं और मैंने ये टोपी भी लिया है, पता नहीं कैसा लग रहा है पर ले लिए, बस सोचे जो मिल जा रहा है फ्री में ले लेते हैं, क्या फ्री में मतलब इनसे फ्री में। तो अभी फिलहाल पापा के लिए इनर ले लिए हैं और सॉक्स भी ले लिए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग घर क्योंकि इनको निकलना है जिम, तो काफ़ी लेट हो जाएगा अगर हम ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे, तो इसीलिए हमको कुछ नहीं दिलाया है और बस यही दो सामान लेके अब हम लोग घर जा रहे हैं, फिर ये जिम के लिए निकलेंगे। तो चलिए गाइस घर चलते हैं और घर में मिलते हैं आपसे। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. तो गाइस शाम के बज चुके हैं 8 और अभी वही वही तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं और हम दोनों मिलकर भी प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि आज श्रुति अपना हेयर वॉश की थी, तो आज श्रुति को हम लोग सोचे कि चलो उसको कल फिर से हेयर वॉश करवाएंगे और उसको भ्रष्ट करवाएंगे। तो श्रुति को जब पता चलेगा कि भाभी गई है कुछ लाने के लिए तो श्रुति बोली ओ नो ये क्या किए भाभी आप। तो घर में हम दोनों का थोड़ा ठंडा का मौसम है ना, तो ठंडे के मौसम में कुछ से कुछ चटपटा खाने का मन करता ही रहता है, तो फिलहाल जा रहे हैं कुछ लाने के लिए। श्रुति नीचे आएगी तब उसका आपका फ्रेश एक्सप्रेशन जरूर दिखाएंगे, तो देखते हैं कि श्रुति का फ्रेश एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा काम हुआ कि रास्ते पे लाइट लग गया है, वायर लगवाया देखो। हाँ वेरी गुड, वायर के साथ ही लगवाया। हाँ बहुत अच्छा काम किया, अब यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ बनाने के लिए जो आइटम लेना है वो गया है लेने के लिए और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अयानी हम लोग के साथ वो सोया हुआ था तो गए हुए हैं
और देखते हैं कि आज वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज उन्हीं का डिमांड हम लोगों ने की हूँ कि आज आप ही बनाओ, क्योंकि वो हमारे घर के मेन शेफ हैं, वो बहुत ही हर चीज़ अच्छा बनाते हैं। था वो मिल गया है, वो लेके आ गए हैं। तो गाइस एक बात और बता दूं कि ये देवघर जो है टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए और इसी होटल में ठहरते भी हैं। तो जो सामान लेना था वो ले तो ले ली, अब चल रही हूँ, मैं लेके आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ अंदर और देखते हैं कि श्रुति का एक्सप्रेशन क्या रहता है। ठीक है, श्रुति नीचे आ गई है और जा रहे हैं, अब देखिए उसका फ्रेश एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, श्रुति क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए ना एक चीज लाया है, बताते हैं। एक चीज आया है, सोची क्या कि ठंडा का मौसम है तो तुमको मतलब मन नहीं लग रहा था ना, कुछ स्पाइसी चीज खाने का मन कर रहा था। मोमोज तो कल लाए थे, तो आज सोचे कि तो आज दूसरा चीज कर लेते हैं, थोड़ा स्पाइसी चीज लाए थे ना, तो तुम्हारे लिए लेके आए हैं तुम्हारा फेवरेट चिकन। चिकन चिकन क्या है राम? तुमको मुझे बाल धोए थे बाबा, तो बाल धोए तो क्या हुआ? तो कल फिर मना पड़ेगा, तो जस्ट बीमार हुए हैं। ये होगा प्लान था कि श्रुति आज वॉश करेगी हेयर और कल हम लोग उसको बोलेंगे धप्पा। तो सबको लग रहा है कि श्रुति का मन भी है खाने का और नहीं भी है। मन तो होता नहीं, छोड़ दो, नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं, हम लोग खा लेंगे और क्या। और बनेगा तो खाना। और तुमको पता है कौन बनाएगा? भैया देख रहे ना गाइस, ये लोग कैसे करते हैं मेरे साथ मिलके। अभी जस्ट एक दिन पहले बीमार हुए थे, इतना मुश्किल से आज बाल धोए, कैसे पूजा शुरू करेंगे हम लोग, फिर आज चिकन खिला देगा। तो गाइस नहीं खाया और क्या बात है, नहीं खाया जाए, नहीं खाएगी तुम छोड़ दो। सकता है भैया बनाएंगे तो चिकन खाना पड़ेगा, ठंडी का समय है। और उससे भी बड़ी बात क्या है पता है? क्या? तुमको बना उसको मिला के रखना है अभी, तो पहुंच जाओ तो बनाने के लिए रेडी हूँ, मतलब मिलाने के लिए रेडी, क्योंकि भैया चले गए हैं देखकर, तो हम सोचे कि क्योंकि हम तो तुमको तो पता है हम छुएंगे नहीं, तो तुम ही से करवाएंगे। तो तुम्हारे साथ ये दो सजा है, एक तो बाल वॉश तुमको कल भी करना पड़ेगा। ये गाइस ये लोग बहुत दुष्ट प्राणी हैं, ये जो फिलहाल रेडी हो जाओ हमारे यहाँ नहीं छुएंगे पानी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो हम आए थे तो अभी आहाना को देखे तो मक मस्त थी राइम्स देखने में, तो फिलहाल हम उसको देख के आते हैं। तब तक तू कितना ठंडा लग रहा है, टोपी दो दो स्वेटर पहने हुए हैं, टोपी पहने दो दो पजामा मोजा इतना चीज पहने हुए हैं। तो वो तो वो तो वो गाइस तो मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये प्लान था कि श्रुति वॉश करे। अरे यार ठंडा में सब पाले सब अच्छा लगता है। चल 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 तू रेडी हो जा, हम तो आना को देख के आते हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है श्रुति? बहुत ही बुरा बुरा लग रहा है, धो के मैरिनेट करके भी छोड़ दिया। अच्छा से चार पांच पानी से धोई है ना? नहीं एक पानी से धोया है। चल चार पांच पानी से धोई है ना, वरना तो फिर तुमको धुलवा देंगे। तो चल अच्छा ठीक है, चलो अब इसको करके ढक दो, भैया आएंगे देखेंगे खुश हो जाएंगे। हम देखिए सब चीज करके रख दिया, भैया भी खुश हो जाएंगे तुमसे कि चलो मेरी छोटी बेटी बहन छोटी बहन खुश हो गई। तो विक्की आ गया, लोग भी आ गया। तो विक्की नहीं यार वेस्ट नहीं किया, अरे यार बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा प्रोडक्ट है ये। हाँ आज यूज करके देखिए, बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। आपके पैसे डूबे, डूब गए आपके पैसे। तो आज आपको पता है ना, हम दोनों का प्लानिंग सक्सेसफुल रहा कि हम लोग बोले थे ना कि श्रुति बाल वॉश करेगी और कल उसको हम लोग धप्पा बोलेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको श्रुति को मजा चखा के? विक्की हम लोग का प्लान सक्सेसफुल रहा, श्रुति आज बाल वॉश की है। क्या वाटर क्या हुआ? क्या ये तो हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन देते रहते हैं। सबसे पहले बताओ टोपी कैसा लग रहा है? ये जो टोपी है ये आयांश का था, जब आयांश पहनता था तो उसको हम लोग खानदानी टोपी है हम लोग का, जनरेशन टोपी पहना जाता है। आज क्या हम लोग का प्लानिंग था? आज श्रुति वॉश करेगी बाल, क्योंकि आज था फ्राइडे तो हम लोग जान रहे थे कि श्रुति वॉश करेगी। तो जैसे ही शाम में भैया आए तो हमसे पूछे श्रुति वॉश कर ली बाल, हम बोले हाँ आज उसको धप्पा बोलेंगे, आज को कल फिर उसको बाल से नहाना होगा, स्नान करना होगा, वरना ऐसे बेचारी ऐसे जिंदगी में कभी। हम श्रुति को बोले लग रहा है कि तुम पूरा तेल लगाई हो बाल में, ऐसा लग रहा है।
है ना, काल पकड़े जिंदगी में आपका कोई हेयर प्रोडक्ट। अभी तक में जितना हेयर प्रोडक्ट हम मंगवाए ना, कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। अभी मसाला डालने का समय आ गया है, हमारे चिकन कोरमा की रेसिपी में मसाला डल रहा है, अभी देख सकते हैं। ये क्या डला, कौन सा मसाला? धनी। ये धनिया पड़ चुका है इसमें, हल्दी पहले ही पड़ चुका था ना। हाँ। अब इसमें पड़ रहा है मीट मसाला ना, जीरा। ये जीरा गया। और ये क्या है? चिकन मसाला। तो सारा मसाला बस हो गया ना। हाँ। तो सारा मसाला जा चुका है गाइस, देख सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। तो फाइनली गाइस देखो, बनकर रेडी है। और अब जो है ये इस पे जो तड़का लगने वाला है घी का, शुद्ध देसी घी का जो तड़का इसके ऊपर लगेगा, इसके बाद कोरमे का वो डिजाइन मिलेगा, तभी इसे क्या मिलेगा, कोरमे का जो रूप है ना। हाँ। वो मिलेगा। तो देखो यार, बन दम तैयार है। अब जो है इसके अंदर कुछ ये रेसिपी मतलब कर रहे हैं, और जो उसका जो क्या आएगा, स्मेल एसेंस जो आएगा, अब वो खुल कर आएगा एसेंस। ये टेक्निक इन्हीं का है बनाने का, और हम लोग का है काम खाने का। On count of three. Yeah. One, two, three. देखा आपने, अब जो इसके अंदर जो फ्लेवर जाएगा ना, वो लाजवाब होगा। तो फिलहाल वेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसे। तो कितने देर के लिए छोड़ना है इसे? 10 to 15 minutes ना। तो आप रेस्ट करो, तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। तो गाइज अभी देखिए, अभी जो है वो 10:30 बज गए हैं, और इनको खाना मिल चुका है, क्योंकि इनको थोड़ी सर्दी थी तो ये चावल नहीं खाएंगे, और अयास भी जो है वो चावल नहीं खाएगा क्योंकि इसको भी सर्दी थी। तो ये दोनों बाप बेटा पहले खा रहे हैं रोटी के साथ। तो पूछते हैं सबसे पहले कि इन लोगों को कैसा लगा, बताइए कैसा लगा। बहुत जबरदस्त गाइज। हाँ। ये है चिकन कोरमा, घर पे बनाया, फर्स्ट टाइम चिकन कोरमा, बहुत टेस्टी बना है। रोटी के साथ तो जबरदस्त लग रहा है, चावल के साथ पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि हम तो चावल के साथ खाएंगे नहीं। देख के जबरदस्त लग रहा है, चावल के साथ और लगेगा। बहुत जबरदस्त आया है, तो बहुत टेस्टी है। देख के और भूख लग गया हमको, ऐसे ही लगा हुआ था। टूटू तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? ये तो लेग पीस लेके बैठा है भाई, बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो ठीक है। तो गाइस ये बीमार है ना, इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रहा है। तो गाइस ये लोग को तंग नहीं करते, खाने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाना लेके बैठेंगे। जैसे कि हमारे घर में बचता है वैसे ही बच चुका है, हर दिन की तरह खाना हो गया है हमारा। तो हाँ, तो आज मुझे वो चिकन कोरमा जो बन, किस चीज की आप लोगों को नहीं पता है क्या? छुट्टी। तो गाइस कल से अयांस की स्कूल की हो गई है छुट्टी, इसके तो मजे हैं और हमारे सजे हैं। तंग करोगे ना घर में, तंग करोगे तुम घर में। नहीं 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 अभी छोड़ दो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आज के चिकन की, जो अभी हम लोगों ने डिनर में चिकन कोरमा खाया है। चिकन कोरमा बोलो। हाँ, कोरमा। तो आज जो हम लोग न्यू डिश खाए इनके हाथ से, बहुत ही लजीज ऐसा था कि बिक्की बड़ाई करते करते थक नहीं रहे थे, हम लोग भी थक नहीं रहे थे, मतलब मुंह में गया है और पूरा एकदम मजा आ गया। पूरा रेसिपी आपको तो नहीं बता पाए कि कैसे क्या बना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जो भी बनाना था। तो गाइस हम लोग तो बीच बीच में ऐसे मजे लेते रहते हैं,
और ठंडी में आप लोग भी अच्छे अच्छे चिकन का मतलब अच्छे अच्छे व्यंजनों का आनंद लिया कीजिए, क्योंकि ठंडी में अच्छे खाने खाने का एक अलग ही मजा होता है। हाँ। तो और जब आज सुस्ती पड़ लगे तो इनका बनाओ और जिस दिन शैम्पू कीजिए उस दिन चिकन मत खाइए, वरना अगले दिन फिर शैम्पू करना पड़ जाएगा। तो गाइस सबसे अच्छा तो मुझे यही था कि मैं तो वेट कर रही थी, आज भी सुस्ती नहीं धोने वाली थी, बोली थी आज नहीं संडे को ही धोएंगे, लेकिन हम इसको जिद की बोले ये वाला लगाओ इसमें बहुत अच्छा है ये, उसकी वजह से बाल भी मेरा बर्बाद हो गया कर देगा, तो मैं तो बर्बाद हुई थी तो हम भी बर्बाद कर देते हैं। तो कैसा लगा श्रुति बर्बाद होके? हर तरफ से बर्बाद हुए हैं गाइस, हम लोग का तो सब चीज मस्त मौला रहा, एक नंबर रहा, और अब हम लोग बोलने वाले हैं आपको गुड नाइट और करने वाले हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। होप कि हमारा आज का ब्लॉग आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। तो गाइस अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। देखो जय हिंद मम्मी, देखो आना, देखो हम लोग को देखने लगती है, रहे जो भी तंग करता है, जय हिंद आना, जय हिंद।